हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं इंदिरा शर्मा रसोई मामी की मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके पास बेल आइकन बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सर्दियों की बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये है मेथी गाजर की रेसिपी। इसे मैंने शकरकंद के साथ बनाया है तो बहुत ही टेस्टी लगेगी और बिना कड़वी लगे बनवाऊंगी आपसे, और आप देखेंगे तो आपको भी बहुत टेस्टी लगेगी। ये देखिए, ये मेथी को मैंने 2-3 पानी से धो लिया। अच्छी तरह से मिट्टी होती है इसमें, और इसको छोटी छोटी कटिंग में कट कर लिया है। एक गाजर लिए, एक शकरकंद लिए, इन दोनों को मैं छील के और अच्छी तरह वॉश करके और इनको छोटी छोटी कटिंग में कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसमें मैं एक टमाटर भी डालूंगी, टमाटर की प्यूरी बना लेती हूँ और फिर उसको डालती हूँ। तो ये गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, एक बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है और गाजर और शकरकंद की कटिंग डाल रही हूँ मैं। जीरा डाल दिया है मैंने, जीरा तड़क गया है, और इसके अंदर अब थोड़ी सी हींग डालूंगी, इससे फ्लेवर बहुत मस्त आएगा फ्रेंड्स। अब इसमें मैंने शकरकंद डाल दिए, छोटी छोटी कटिंग कर ली है अच्छी तरह वॉश करके, और गाजर को भी छोटी छोटी कटिंग कर ली है, और इनको हम फ्राई करेंगे। ये गैस मीडियम कर रखी है मैंने, और मीडियम गैस पे 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसका मॉइस्चर चला जाए, इसकी नमी चली जाएगी, तो ये टेस्ट अच्छा आएगा। ये सर्दियों की बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत न्यूट्रिशियस होती है ये। ये देखिए, इस तरह से पलट पलट के फ्राई कर लेती हूँ मैं, और अब इसको मैं हरी मिर्च बारीक कटिंग करी हुई और अदरक डाल के थोड़ी सी और फ्राई करेंगे इनको भी, ताकि इनका कच्चापन नहीं रहे और टेस्ट भी अच्छा आएगा। ये देखिए, बबल्स आने शुरू हो गए हैं, तो इनका मॉइस्चर जाना शुरू हो गया है। अब मसाले डाल रहे हैं, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और मिर्च डालेंगे पिसी हुई, और ये नमक भी डाल दिया है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे, आपको अगर तेज मिर्च वगैरह पसंद है तो आप तेज डाल सकते हैं। अब इनको मसाले के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, और ये जो मेथी धो ली थी मैंने और जल्दी में छान ली थी, इसको भी इस तरह से फैला लेंगे ऊपर की तरफ। अभी मैं सारी मिक्स नहीं कर रही हूँ, इस तरह से फैलाएंगे तो ये भाप में, नीचे की भाप में मेथी भी थोड़ी थोड़ी पकेगी, और इसको ढक्कन लगा देंगे, करीब 3-4 मिनट तक इस तरह से पकने देंगे। ये देखिए, 3-4 मिनट बाद में अब मेथी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, तो अब सब मिक्सचर कर लेंगे, सारी मिक्स कर लेंगे, सब्जी शकरकंद और गाजर भी। ये इस तरह से आप सब्जी बनाएंगे तो मेथी का कड़वापन नहीं लगेगा, जो शकरकंद और गाजर के साथ मिक्स हो जाएगी जब मेथी, तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी, बहुत ही टेस्टी सब्जी लगेगी। और फिर इसको हिला के इस तरह से मसालों के साथ मिक्स होने देते हैं। गैस मीडियम कर रखी है और मीडियम टू लो कर देंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर इस तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा नीचे ऊपर करने से नीचे की सब्जी ऊपर आ जाती है। और ये टमाटर की प्यूरी बना के रखती हूँ मैं, 3-4 टमाटर की, ये 3-4 दिन आराम से चल जाते हैं, और फ्रिज में रख देती हूँ टमाटर की प्यूरी। मिक्सी के ग्राइंडर जार में बना लेती हूँ, बॉईल करके उनको और छान लेती हूँ मैं। तो ये एक टमाटर के करीब मैंने इसकी प्यूरी डाल दी है,
ये स्टोर करके रखती हूँ ताकि सब्जी दाल में काम आती है और बार बार टमाटर की कटिंग नहीं करनी पड़ती। ये 3-4 मिनट और पका लिया। इसमें मैंने आधी कटोरी पानी भी डाला था। थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी लगती है और मैं गर्मा गर्म सर्व करके बता रही हूँ। तो ये सब्जी आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी और सब बार बार मांग मांग के खाएंगे। और इसमें नींबू अगर डाल देंगे ना तो और भी टेस्टी लगेगी। तो गर्मा गर्म सब्जी, गर्मा गर्म आप पराठे के साथ खाएंगे तो बहुत ही मस्त लगेगी और घर में सबको पसंद आएगी। तो सर्दियों की ये सब्जी आप बनाइए, खाइए, खिलाइए। और ये गाजर, शकरकंद और मेथी की सब्जी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, और नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।